वक्त बहुत सारी तब्दीलियां भी लेके आता है हमारी ज़िंदगी में, हमारी सोच में, हमारे नज़रिए में, हमारे जीने के ढंग में। और आजकल की जो जनरेशन है, जो हमारी जनरेशन है, वो सबसे ज़्यादा आज के वक्त में इस तब्दीली को झेलती है, क्योंकि हम पैदा कहीं होते हैं, पलते कहीं हैं, और रहते कहीं हैं, और मरते कहीं हैं, कि काट के अपने पर जाते हैं। आपके लिए है, सबके लिए, कि काट के अपने पर जाते हैं पंछी अब चलकर जाते हैं। काट के अपने पर जाते हैं पंछी अब चलकर जाते हैं, बन के काबिल अपने अपने घर से हो बेघर जाते हैं। मौत पे किसकी ये रोजाना, मौत पे किसकी ये रोजाना। मेट्रो का दृश्य देखिएगा कि मौत पे किसकी ये रोजाना, लटके लटके सर जाते हैं। कोई मेला है बचपन का, ये सब लोग किधर जाते हैं। चौक चौक बाजार पे दिल हारे हैं। पहले ना चौक जो होता था पुराने जमाने में, हमने तो सुना ही है क्योंकि हमने वो डेवलपमेंट देखा है 90s का, जो लिबरलाइजेशन था। लेकिन दादी वादी बताती थी कि चौराहे पे बैठ के पहले पंचायत होती थी मोहल्ले की, और आज चौराहे पे दुकानें होती हैं। कि चौक बाजार पे दिल हारे हैं, रस्ते देख बिखर जाते हैं, आज अकेले हैं तो जाना, लोग अकेले मर जाते हैं। और इसी पूरी जद्दोजहद में हम ये समझते हैं कि देखिए, आप बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है समझने की, कि जब मान लीजिए मेरा जन्म कानपुर में हुआ, मैं बम्बई में रहने लगा, देहरादून में मैंने ट्रेनिंग करी, मैं कहीं पे पोस्टेड था, फिर मैं बम्बई में रहने लगा, तो आप बताइए कि मैं कानपुर से हूँ कि बम्बई से हूँ कि देहरादून से, मैं हूँ क्या? मैं अमेरिका चला जाऊँगा तब क्या करोगे? तो कहने की बात यह है कि जो हमारी ज़िंदगी है ना, हम जिन चीज़ों को बांध के रखते हैं, जिन चीज़ों को बांध के रखते हैं, वो कितनी एक, अगर दिल चाहता है, किसने देखी है, दिल चाहता है का एक डायलॉग है, बड़ा मुझे मेरे जहन में रखा हुआ है, कि वो रेत पकड़ के कहता है कि इस रेत को जितनी ज़ोर से पकड़ोगे ना, उतनी ज़ोर से ये निकल के फिसल के चली जाएगी। दृष्टि प्रोडक्शन, अ डिजिटल स्टोरी टेलर ऑफ योर इमेजिनेशन।